हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दुआ करता हूँ आप सभी ठीक होगे। बोल के आज मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आया हूँ। ये ब्लॉग है आज मेरे दोस्त का निकाह है आज, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से तैयारी हो रही है निकाह की और किस तरह से डेकोरेशन और दूल्हे की एंट्री किस तरह से होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं दूल्हे और दुल्हन की एंट्री कैसी होती है शादी हॉल के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हाँ फ्रेंड्स, अभी दूल्हा दुल्हन शादी हॉल के अंदर आ चुके हैं, तो उनका वेलकम किया जा रहा है, सभी लोग मिलकर उनका वेलकम कर रहे हैं स्टेज के लिए। तो हमारे यहाँ बॉयज़ के लिए एक अलग स्टेज होता है, तो गर्ल्स के लिए अलग स्टेज होता है। तो दूल्हा एक तरफ, दुल्हन एक तरफ, उस तरह से इनको लेके जा रहे हैं। तो अभी दूल्हे को उनके स्टेज पे लेके आए हैं, दुल्हन को बगल वाले स्टेज पे लेके चले गए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं दूल्हे से मिलते हैं और इधर का किस तरह से माहौल है, कितने का कैसे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से दूल्हे का वेलकम किया जा रहा है, बहुत अच्छे से सजाया गया है पूरे स्टेज को और पूरे स्मोक फॉग के साथ दूल्हे की एंट्री हो चुकी है। तो इधर बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं मेन्यू की तरफ, क्या क्या इधर कैसा चल रहा है, कैटरर्स किस तरह से इंतज़ाम कर रहे हैं और क्या क्या इनके पास रेसिपी है, तो सभी देखते हैं। ये जो है हमारे बड़े भाई हैदराबाद से, यही है इनके कैटरर्स के ओनर पैराडाइज कैटरर्स। जिसको भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, या आप इस पर भी दिख रहा है कॉन्टैक्ट करके, शादियों में, होलियों में, हर एक कुछ भी फंक्शन हो आप उनको ऑर्डर करके बोल सकते हैं, वो आपके डेट पर वो आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे किस तरह से, कितनी वैरायटी की रेसिपी ये लोग चिकन मटन और स्वीट में क्या क्या बना रहे हैं, देखते हैं उसका भी नज़ारा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। हैदराबादी स्टाइल में चिकन को ट्राई किया जा रहा है अलग अलग वैरायटी में, सभी इधर कुक लोग बना बना के रख दिए। हर एक बड़े बड़े से डेगों के अंदर हर एक तरह का, कम से कम इधर 8-10 टाइप का चिकन मेरे को तो इधर नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, उसका मज़ा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं कौन सा आइटम है, क्या है, मेरे को भी उसके बारे में इतना मालूम नहीं, फिर भी मैं उसे पूछ के थोड़ा मालूम करता हूँ वो रेसिपी के बारे में। तो इधर मटन को कुछ अलग तरह से, शायद कर लीजिए कि कुछ मटन कर लीजिएगा, कुछ इधर बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और कितने वैरायटी है इनके पास, क्या क्या है उसका सभी जायजा लेते हैं। आपको तो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, हर एक तरह की इधर चिकन या मटन की ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, कम से कम 8-10 तरह की इधर बना के रखे हैं चिकन और मटन। बहुत अच्छी खुशबू तो मेरे को आ रही है, खाने के बाद पता चलेगा कितना अच्छा हैदराबादी टेस्ट है और कितने अच्छे कैटर्स है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह, मटन ग्रेवी भी इधर बन के पक के तैयार हो चुकी है और बिरयानी भी 100% अभी पक चुकी है। तो अच्छा, उसको सभी चेक कर रहे हैं अच्छी तरह से, बासमती राइस कैसा बना है बिरयानी का, उसको हर एक पीस का उसको चेक कर रहे हैं। इधर भी स्वीट बन के तैयार हो चुकी है रबड़ी, अच्छे से उसको निकाल के इधर सर्व करने के लिए। तो चलिए चलते हैं इधर से वेजिटेरियन के उधर, उधर किस तरह की तैयारी हो रही है, तो देखते हैं नज़ारा उधर का भी, वेज में क्या क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस तरह से इधर मेन्यू लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट इधर सभी सजा के रख दिए हैं, वेजिटेरियन के सभी भगोने इधर आ चुके हैं। तो इधर कुछ मिर्ची भजी डाल रहे हैं, इधर देखिए अच्छे से, इधर रोटी का कुछ, कड़क रोटी का कुछ स्पेशल ऐसा आइटम कुछ बना रहे हैं, मेरे को पता नहीं उसका क्या नाम बोलते हैं, मगर रोटी का कुछ इधर बना के रख रहे हैं सभी उनकी टीम। तो अलग तरह से इधर देखिए चपाती बन रहा है, अलग अलग वैरायटी अलग अलग तरह से उधर बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए नॉनवेज की तरफ आ चुके हैं हम, तो देखते हैं इधर भी किस तरह से नॉनवेज सर्विस करने के लिए इधर सभी चिकन मटन बिरयानी और रुमाली रोटी किस तरह से इधर सभी सजा कर रखे हैं, क्या क्या आइटम है इसमें भी देखते हैं। तो देखिए अभी चालू हो चुका है खाने की, खाने के लिए तो सभी लोग उधर गेस्ट लोग आके भी बैठ चुके हैं, तो इधर से कैटरर्स के लोग इधर से सर्विस कर रहे हैं उसको।
तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा तो खाना हो गया, चलते हैं सीधा इधर से मिलते हैं स्टेज की तरफ, चलते हैं और दूल्हे से मिलते हैं, फिर हम भी निकलते हैं मिलके। और प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, और इस वीडियो को पूरा ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं एक फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तो चलिए, जब तक के लिए Take care, bye-bye.